circle of cricket headed to the capital city of India, New Delhi, to meet up with the six-year-old Shayan Jamal. He is one of the finest players in the world at his age, and so much so that the 3 feet youngster is already being tipped as the future star of the sport. शायान 24 अक्टूबर 2011 को पैदा हुआ था वो मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे मेमोरेबल दिन है मैं मानता हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि वो मेरे क्रिकेट के प्यार क्रिकेट से जो प्यार था उसका रिबर्थ था तो वो 1.25 साल का होगा मेरे ख्याल से जब वो बोलना स्टार्ट किया तो सुबह जागने के बाद सबसे पहला वर्ड जो उसके मुँह से निकलता था मुझे मैच देखना है जब तक के उसको टीवी खोल के कोई भी मैच आ रहा हो उसके सामने उसको बिठा दो फिर वो एंजॉय करने लगता था उस मैच को देखता था चाहे पुराना मैच हो नया मैच हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो क्रिकेट होना चाहिए खेल में तो उसका आदम दीवानों की तरह खेलता है हर वक्त खेल खेलता है हर चीज़ जो चीज़ मिला टेनिस बैट मिला कुछ भी मिला उसे बल्ला बना के हर वक्त खेलता रहता है ये घर में जब क्रिकेट की बारी आती है तो घर में भी क्रिकेट खेलता है और हमें भी अपने साथ खेलने को कहता है तो कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है जब पढ़ने नहीं देता है तो My role model is Virat Kohli sir. I like him because he is a very good batsman and he makes so many centuries. एक्चुअली क्रिकेट और शायान की टेक्निक की बात करूं तो इसका कवर ड्राइव देखने लायक होता है इसकी फ्लिक जो है फ्लिक मारता है तो वो अनबिलीवेबल स्ट्रेट ड्राइव सारे शॉट्स खेलता है और उस पर लेकिन कमांड उसका कवर ड्राइव पे बेस्ट है और उसका फेवरेट शॉट भी है कवर ड्राइव शायान की बैटिंग बहुत अच्छी है तो बैटिंग का पैर वो ले जाता है एकदम परफेक्ट होता है उसकी कवर ड्राइव बहुत अच्छा जाता है जब वो बैकफुट पंच निकाल फील्डरों के बीच में से निकालता है तो वो चीज़ अच्छी लगती है बॉलिंग भी पार्ट टाइम करते हैं सब भी बहुत अच्छी आती है Circle of Cricket conducted an activity with a young star to check his technique in batting. Subject is maths and English. पढ़ाई में बहुत अच्छा जब भी उसके स्कूल में जाते हैं मीटिंग में तो मैम बहुत तारीफ उसकी करती है और ज़्यादातर सब्जेक्ट में ए प्लस लाता है रिजल्ट में He tries to speak in a better way. He tries to gel up with the teacher in a better way. And he cooperates with the teacher. Sometimes he helps. Ma'am, please give me the books. Please give me the notebooks. May I distribute the notebooks? I like to do like I like to do this. I like to do that. Shayan बहुत ही focused है और good listener भी है बहुत अच्छे. तो good listener होना एक बहुत अच्छी बात होती है किसी चीज को सीखने के. पढ़ाई में बहुत अच्छा है उसे याद बहुत जल्दी हो जाता है और जो समझाते हैं वो भी बहुत जल्दी समझ आ जाता है और अगर कभी बहुत देर हो जाती है प्रैक्टिस से और सो जाता है तो सुबह भी अपना होमवर्क कंप्लीट कर ही जाता है बैलेंस जो देखता हूँ मैं तो मुझे
बहुत ही प्राउड फील होता है, बहुत खुशनसीब समझता हूँ मैं अपने आप को, क्योंकि इतना सिंसियरिटी के साथ क्रिकेट को और पढ़ाई को बैलेंस करना इम्पॉसिबल होता है। बहुत बड़ी बात है कि 4 साल की उम्र में शायान अपने स्कूल के लिए, स्कूल की अंडर 12 टीम के लिए सेलेक्ट हुआ, और जब ये 4 साल 11 महीने का था, अपने केजी क्लास में था, तो अपने स्कूल को साउथ दिल्ली जोनल सब जोनल मैच में इसने रिप्रेजेंट भी किया था। तो बहुत प्राउड फील होता है जब भी पता चलता है इसके बारे में, हमेशा कुछ ना कुछ नया अचीवमेंट ये अचीव कर रहा है डे बाई डे। एक्चुअली मैं कपड़ों का बिजनेस था हमारा, लेकिन बिज़नेस शायान की मेरी ज़िंदगी में आने के बाद बिज़नेस कहीं ना कहीं पीछे छूट गया, क्योंकि जब मैं वक्त से आता था अपने, और शायान उस वक्त 1.5 साल का होगा, वो हर रोज़ नाइट में जब 9:30 अराउंड में घर आता था तो वो बैट और बॉल लेके खड़ा रहता था, मेरा वेट करता रहता था कि मुझे क्रिकेट खेलना है। तो उसकी सेंस देख करके 1.5 साल का बच्चा अगर क्रिकेट के लिए इतना क्रेज़ी है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये गॉड ने इसको मेरे सपने को दोबारा से वापस तो नहीं भेज दिया। तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायान में कुछ अलग बात है। और फिर वहाँ से हम लोग डेली रात में आधे पौने घंटे जब तक क्रिकेट नहीं खेलते थे, वो सोने के लिए नहीं जाता था। तो अभी मैं फुल टाइम उसके ऊपर ही फोकस करता हूँ, मैंने अपने बिजनेस को सेक्रीफाइस करना पड़ा। मेरी बेस्ट विशेस ये है कि सबसे पहले तो वो अच्छा इंसान बने, खुश रहे हमेशा और देश के लिए खेले। इतना रिकॉर्ड बनाया शायद आज तक किसी ने नहीं बनाया। शायान जमाल, जस्ट गो एंड गेट द सक्सेस बिकॉज़ स्काई इज द लिमिट। मैं अपने सपने की तरह देखता हूँ कि अगर वो खेलेगा तो मैं समझूंगा ग्राउंड पे मैं खेल रहा हूँ। It's too far early to say that the 6-year-old will make it as an elite cricketer. Time will tell if Shayan Jamal does indeed become the next Virat Kohli. But what can be said with certainty is that he possesses an extraordinary amount of talent for someone so young. If that ability continues to be channeled in the right direction, then you'll be hearing a lot more about him in the years to come. Subscribe this the video. Please like, share and subscribe the channel. Please like, share and subscribe the channel.